हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ फेथ। आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एकेडमी ऑफ फेथ पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं अपने नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्या करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें मेरे लेक्चर्स को, सब्सक्राइब करें और प्लीज उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इनकी आवश्यकता है। चलो हम अपने लेक्चर में आगे पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने अपने चार प्रिंसिपल कवर कर लिए थे, जिसमें पहला पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा पढ़ा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा पढ़ा था डिसिप्लिन और चौथा पढ़ा था हमने क्या, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, अपना पांचवा प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे हमने यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, बोला था अगर एक मैनेजर है उसके नीचे तीन सबोर्डिनेट है। ठीक है, अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहा है तो उसके ऊपर एक ही मैनेजमेंट होना, मैनेजर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें मैंने एक एग्जांपल ये वाला दिया था M1 M2, जिसमें S1 S2 और S3 को ये और ये मतलब M1 भी तीनों को ऑर्डर दे रहा था और M2 भी तीनों को ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, तो हमने ये क्या बोला था, ये बोला था कि यूनिटी ऑफ कमांड में ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर एक ग्रुप के पीपल के ऊपर एक ही बंदा काम करता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। बच्चे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी बोलते हैं, यहाँ तक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो पहले पढ़ते हैं फिर समझाते हो। बोले यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान। बोले यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलते हैं कि एक प्लान के लिए एक हेड होना चाहिए, तो हमने भी यही बोला। ठीक है, पूरा ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज बाई यूनिटी ऑफ कमांड भी यही बोला था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी यही बोल रहे हैं, यहाँ तक सेम चीजें बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इसके बाद एक वर्ड आता है हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। मैंने ये चीज इसलिए छोड़ी थी डेफिनेशन में, इसके बाद ये लिखना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसके बाद ये लिखा हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब ऐसा तो हो नहीं चाहिए, अब इन तीनों लोगों का ऑब्जेक्टिव भी एक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी एक होना चाहिए। ठीक है, अब आया होगा समझ में, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर, ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर एक हेड होना चाहिए और उन सारे लोगों का क्या होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं जिस डायरेक्शन में एक बंदा काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में सारे बंदे काम करेंगे, इस चीज को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब ये बता रहे फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट। बोला एक कंपनी है ऑटोमोबाइल कंपनी, वो दो प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है, एक स्कूटर बना रही है और एक कार बना रही है। ठीक है, स्कूटर और कार बना रही है, तो क्या बोला है, हैविंग टू डिविजन्स, इसलिए हमें टू डिविजन बनाने पड़ेंगे, एक स्कूटर का एक कार का। क्यों, स्कूटर वाले डिविजन में वो लोग डालेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव स्कूटर को बेचना होगा और कार वाले डिविजन में वो लोगों को डालेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव कार को बेचना होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एज ईच प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन मार्केट एंड प्रॉब्लम्स, देयरफॉर ईच डिविजन मस्ट हैव इट्स ओन हैंड। तो बोल रहे क्यों, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का, हर प्रोडक्ट का अपनी मार्केट है और उसका अपना हेड होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग्स का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर एक हेड होना चाहिए एंड ऑल दोस पीपल हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, और सारे पीपल का क्या होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का नाम देते हैं। अगला प्रिंसिपल है सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबोर्डिनेशन का मतलब होता है बजाय वो बोल रहा है हमें एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बजाय, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बजाय जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। बोलो भी ये क्या हो भाई साहब, क्या बोली जा रहे हो, पहले बोल रहे हो सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद बोल रहे हो
कि हमें एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बजाय जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचना कि ये कैसी बातें कर रहे हो आप आज, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या बात है कि वो बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक मैनेजर काम करता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर काम करता है, तो उसे अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने से पहले किसके बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए, अपने से पहले कंपनी के बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ये तो तुम्हें मैंने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके बता दिया प्रिंसिपल का, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था राम, जिसका नाम था राम, ठीक है, राम क्या था, एक कंपनी में परचेज मैनेजर था। ये कंपनी का काम क्या था, ये कंपनी मार्कर बनाती थी, क्या बनाती थी, मार्कर, ठीक है। तो एक बंदा था राम जो एक कंपनी में परचेज मैनेजर था, वो क्या करती थी, कंपनी मार्कर बनाती थी। अब उस कंपनी को मार्कर का प्रोडक्शन शुरू करना था, लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल जो होगा ना, प्लास्टिक चाहिए होगा इसके लिए ढक्कन चाहिए होगा, इसके लिए इंक चाहिए होगी, उन सबको बना के असेंबल करके हम क्या एक मार्कर बनाएंगे, ठीक है। तो उनके पास कच्चा माल नहीं था, तो इसके मालिक ने बोला ऐसा है तो कच्चा माल लेके आ मार्केट से, रॉ मटेरियल अरेंज करके आ। अब राम को याद आया कि जो उसका बेटा था लव, जो राम का बेटा था श्याम लगा लो, जो राम का बेटा था श्याम, उसकी भी मार्केट में इसी की दुकान है, किस चीज की, कच्चे माल की दुकान है। और राम के श्याम के अलावा कोई एक और बंदा था सलमान, मार्केट में ऐसी जिसकी भी इसके कच्चे माल की दुकान थी, ठीक है। तो राम ने क्या सोचा, पहले वो सलमान में गया, सलमान को पूछा उसने कि मेरे को इसके लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप मेरे को कितने रुपए में दोगे, तो सलमान ने बोला मैं आपको ये सामान 1,00,000 रुपीज में दूंगा, राम ने अपने लड़के को फोन किया शाम को, शाम बेटा मेरे को अपनी कंपनी के लिए सामान चाहिए, तो मेरे को ये सामान कितने में देगा। तो शाम ने बोला कि मैं भी आपको 1,00,000 रुपए में दूंगा, ठीक है। तो राम ने बोला अरे 1,00,000 में तो बाजार में भी मिल रहे हैं, मैं उसी से ले लूंगा, तो ऐसा कर मेरे को ज्यादा में दे। तो उसने बोला ठीक है, आप मेरे से 1,20,000 रुपए में ले लेना, जो 20,000 रुपए मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ उसमें 10,000 रुपए हम आपस में बांट लेंगे। राम ने बोला हाँ ये बढ़िया है, मैं कंपनी वालों से पैसे लूंगा 1,20,000 रुपए, और जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा वो मैं और मेरा लड़का आपस में बांट लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, पैसे तो पूरा प्रॉफिट उसी के घर में जा रहा है, लड़का भी उसी के, ठीक है, तो 20,000 से एक्स्ट्रा ले लेता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये वाले प्रिंसिपल का वायलेशन हो गया। उसने इस प्रिंसिपल को तोड़ दिया, क्यों, क्योंकि उसने पहले अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचा, ना तो कि कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचा। तो ये बोल रहा है, देखो मैं पढ़ाता हूँ, बोला दिस प्रिंसिपल सेज दैट द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉई। बोल रहे हैं ये प्रिंसिपल कहता है कि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना तो कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना तो कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, बोल रहे फॉर एग्जाम्पल अ परचेज मैनेजर ऑफ अ कंपनी हैज टू परचेज 100 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल। एक परचेज मैनेजर को राम को 100 टन रॉ मटेरियल खरीदना है मार्केट बनाने के लिए, ठीक है। His son happens to be a supplier along with other supplier. उसका लड़का इस सामान का सप्लाई करता है और लोगों के साथ, मतलब और लोग तो करते ही, उसका लड़का भी करता है, ठीक है। In the market, बोले तो मैनेजर purchases the raw material from the farm of his son at a rate higher than the market rate. बोले मैनेजर ने क्या करा, अपने लड़के की दुकान से सामान लिया मार्केट से महंगा, ठीक है, मार्केट से महंगा। This will profit the manager पर्सनली, इससे क्या हुआ, मैनेजर को पर्सनल प्रॉफिट हुआ, बट द कंपनी विल इनकर हैवी लॉसेस, बट कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये बोला दिस सिचुएशन इज अनडिजायरेबल, बोला ये सिचुएशन गलत है, मतलब
इसने इस प्रिंसिपल का वायलेशन किया। तो जब तुम्हें क्वेश्चन आता है थ्योरी में तो डायरेक्ट पूछ देते हैं, और प्रैक्टिकल में क्या पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में लिखेगा राम इज द परचेज मैनेजर ऑफ कंपनी, ही हैज टू परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, ही हैज परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम हिज फर्म सन एट अ हायर रेट देन द मार्केट, विच प्रिंसिपल ही हैज वायलेटेड। तो वो बता रहे हैं सब कुछ, तो आपको बताना होगा ही हैज वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो क्या करें, कमेंट में शेयर करें, नहीं आ रहे तब भी क्या करें, कमेंट में शेयर करें, ताकि मेरे को पता चले मेरे को कहाँ पे इंप्रूव करना है। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोगों के लिए फ्री लेक्चर ला रहा हूँ, तो यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे आगे के प्रिंसिपल।